हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि नीट का फॉर्म जो है वो अब आ चुका है। तो फ्रेंड, नीट 2018 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारे चेंजेज हुए, तो आपको फॉर्म भरने से पहले आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जो चेंजेज हुए हैं जो सारे कुछ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नीट 2018 में। तो फ्रेंड्स, बात करें फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो फ्रेंड्स वो है एज से रिलेटेड। अगर आप नीट 2018 में अपीयर होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स हो जाना चाहिए इस साल के 31 दिसंबर को, यानी कि 31 दिसंबर 2018 को आपको मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज की बात करें तो फ्रेंड्स वो मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए, और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है ओबीसी और एससी एसटी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए 7 मई 1993 एंड 1 जनवरी 2002 के बीच में ही। और अगर आप एससी एसटी और ओबीसी और अगर पीएच कैटेगरी के हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 मई 1988 एंड 1 जनवरी 2002 के बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था नॉर्मल कैटेगरी जो होता है, और इसमें बस एक ही चेंजेज है कि अगर आपका एज जो है 25 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप नीट का एग्जाम इस बार नहीं दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो मेन कैटेगरी है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप 12th अपीयर हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आप 12th पास्ड आउट हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन क्या है, यहाँ पे मेन है जो चेंजेस हुए हैं। मेन चेंजेस यहाँ पे ये है कि अगर आप ओपन स्कूल से बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है नीट के लिए, यानी कि इस बार अगर आपने स्कूलिंग किया है ओपन स्कूल से या फिर प्राइवेट है तो आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड, गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप उठाया है ओपन स्कूल वाले को नीट के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने देने के लिए, तो फ्रेंड्स ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ओपन बोर्ड जो है वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड की है स्टूडेंट को कि आप ओपन बोर्ड से भी बोर्ड्स कर सकते हैं, और अचानक से ऐसा कर देना कि आप नीट के एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते वो भी एग्जाम से 2 महीने पहले, तो ये तो एकदम सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है, जरूर उठाना है, और आप सभी लोगों को एक साथ आना है और गवर्नमेंट के इस रूल के अगेंस्ट आपको आवाज जरूर उठाना है। तो फ्रेंड्स, यही थे मेन चेंजेस कि अगर आपका एज जो है मैक्सिमम 25 ईयर्स से ज्यादा है तो आप नीट में अपीयर नहीं हो सकते, और मेन तो यहाँ पे ये था कि आप ओपन स्कूल के हैं तो नीट में अपीयर नहीं हो सकते हैं। और एक बात, अगर आपने बोर्ड जो किया है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया और बाद में आपने सोचा है कि मैं बायो से भी कर लूँ और उसके बायो का पेपर बाद में दिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। आपका जो होना चाहिए मेन स्ट्रीम होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही। तो फ्रेंड्स, यही थे सारे चीज़ें जो मुझे आपको बताना था। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन सारी पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बस फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।